जी मिजना के क्या मुझे तो ये याद है तुम्हारे घर की बातें कि वो एक सब मिलकर एक साथ खाना और साथ बनाना वो सब तो ये पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम और खानदान और ये सारी बातें और ये भी पता है तुम बड़ी सलीकेशार हो तो आजकल क्या हो रहा है घर आजकल हम लोग अलग हुए हैं बताया था ना मैंने अच्छा हाँ तो बस ये होता है कि थोड़ा बोरिंग होता है शहरी वाला जो सेशन होता है ना तो और भरे भरे घर की आदत है ना इफ्तार तो हम लोग साथ करते हैं अच्छा और मेरे लिए बेसन इंतजार कर रहा होता है मैं जाके बहुत सारे पकोड़े बनाती हूँ हर रंग और नस्ल के और उसमें टाइम गुजर जाता है लेकिन शहरी में थोड़ा फील होता है अच्छा। तब मैं हस्बैंड से लड़ाई कर रही होती हूँ कि अगर मैं पराठा बना रही हूँ तो तुम लस्सी तो बना सकते हो आज नहीं पी सकता गले में दर्द है और जब मैं बना देती हूँ तो पी रहा होता है फिर मैं ताने देती हूँ कि जब गले में दर्द है आप कैसे पी रहे हो तो शहरी तुम दोनों के लिए बनती होगी तो क्या खाती हो तुम शहरी पराठा होता है और वो हाफ फ्राई एग जरूर खाते हैं अच्छा और दही या लस्सी ज्यादातर लोग अंडा पराठे में भी ऑमलेट और पराठा या फिर ज्यादातर ये होता है कि जो रात का सालन होता है क्योंकि खाना तो खाया नहीं जाता इफ्तारी की वजह से तो जैसे आलू गोश्त होता है या इस तरह की कोई भी शोरबे वाली तो वो रोटी के साथ या पराठे के पराठा पराठा